जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम 8 जुलाई 2024 यानी कि आज सोमवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी न्यूज के साथ साथ क्यूज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार बहुत ही शानदार सा दे रखा है, कहता है, आप विद्यार्थी तभी कहलाओगे जब आपके मन में शांति, धैर्यशीलता और जिज्ञासुपन होगा। यू विल बी कॉल्ड अ स्टूडेंट ओनली व्हेन यू हैव अ पीस, पेशेंस एंड क्यूरियोसिटी इन योर माइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहला दे रखा है, तुर्की के आसमान में एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली है। इस घटना में आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देखी गई है। आसमान से एक चीज गिरती हुई देखी गई है जो संभवतः एक उल्कापिंड है। ठीक है, ये खगोलीय घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है तुर्की के आसमान में। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपने गगनयान मिशन की तैयारी में जुटी है। यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है। दे रखा है राजकीय खबर, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन रांची चैप्टर की ओर से घोषणर कॉलेज में राज्य के पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA कोर्स के लिए स्टडी सेंटर की शुरुआत की गई है। खेल जगत का समाचार दे रखा है, 17 साल की उम्र में भारतीय टीम में शामिल हुई शबनम शकील बुमराह और ब्रैटली के वीडियो देखकर सीखी थी गेंदबाजी। ठीक है, ये है जो क्रिकेट में है वो बुमराह और ब्रैटली की वीडियो देखकर सीखी थी शबनम शकील। शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दे रखा है, CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 CBSE बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षाएं यहाँ पे 15 जुलाई से होनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है भारतवर्ष क्लासेस लगातार अपलोड कर देगा। दे रखा है आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, सबसे पहले कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न कहता है, बूझो पहेली। पहेली है, काले वन की रानी हूँ वो सबकी खून की प्यासी। क्या होगा, जू, जू होता है अंग्रेजी में, जू भी बोलते, लिच बोलते हैं लिच। दूसरा दे रखा है, -10, -8, -4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इन सब में सबसे बड़ा संख्या है 0, क्योंकि 0 जो है वो माइनस से बड़ा होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रेन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब एक से अधिक बच्चे। वीर का उल्टा शब्द क्या होता है, वीर का उल्टा होता है कायर, नोट कर लेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जी हाँ बच्चा, झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से चेंज हो गए, चंपाई सोरेन अब झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसीलिए जल उदासीन है, ना तो यह अम्लीय होता है और ना ही यह क्षारकीय होता है। यदि आप इसमें अम्लीय पदार्थ मिलाओगे तो यह जल अम्लीय हो जाएगा, यानी 6-7 से कम इसका पीएच मान हो जाएगा। और यदि इसमें आप क्षारकीय पदार्थ मिलाओगे तो यह क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। दूसरा देख रखा है, भारत में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है, तो थार रेगिस्तान नाम है। और याद रखेंगे पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है, वो सहारा रेगिस्तान है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड के किस प्रमंडल में स्थित है, तो ये कोल्हान प्रमंडल में है। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, 1 वर्ष के बाद। अमेरिका में 4 वर्ष, भारत में 5 वर्ष, याद रखेंगे।
बिरसा मुंडा को पकड़वाने यानी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश शासन ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो उन्होंने 500 रुपये का इनाम रखा था, और उस समय 500 रुपये बहुत ज़्यादा मूल्य होता था इसका। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, एरिस्टोटल को कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस को। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अलावा और किस वर्ष जीता था? तो 2007 में जीता था इन्होंने। T20 वर्ल्ड 2024 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से घोषित किया गया? विराट कोहली, याद रखना है। आज का महत्वपूर्ण दिवस या पुण्यतिथि दे रखा है 8 जुलाई है। 8 जुलाई राष्ट्रीय फ्रीजर पॉप दिवस, गर्मी की तपिश में नेशनल फ्रीजर पॉप डे राहत की मीठी ठंडक लेकर आता है। अंतर्राष्ट्रीय केप टाउन कैरियर्स दिवस, आधुनिक तकनीक से बहुत से पहले जब अधिकांश लोग पढ़ नहीं सकते थे, शहर के सूचना प्रदाता लोगों को सांप्रदायिक घटनाओं और समाचारों से अपडेट रखते थे, इंटरनेशनल टाउन क्राइस्ट डे। चलिए आज का प्रेरक प्रसंग यहाँ पे दे रखा है, ईमानदार। फादर इज एन ऑनेस्ट मैन, फादर जो है यानी पापा जो है वो सबसे ईमानदार होते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी वे बड़े होकर अच्छा इंसान बन सकते हैं। संस्कारों से संबंधित एक लोक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे। इस दौरान वे एक घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। बच्ची ने संत से कहा, हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं है। संत ने कहा, बेटी मना मत कर, कुछ नहीं है तो अपने आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ही दान में दे दो। छोटी बच्ची ने तुरंत ही आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। संत ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी आपने भिक्षा में मिट्टी क्यों ली? यह तो हमारे किसी काम की नहीं है। संत ने शिष्य को समझाया कि आज वह कन्या छोटी है और अगर अभी से मना कर सीख जाएगी तो बड़ी होकर भी किसी को दान नहीं देगी। आज उसने दान में थोड़ी सी मिट्टी दी है, इससे उसके मन में दान की भावना जागेगी। भविष्य में वह जब भी बड़ी होकर सामर्थ्यवान बनेगी तो फल फूल और धन भी दान में देगी। यह कथा हमें संदेश यही है कि बच्चे अच्छे काम करना सीखना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। बचपन से ही उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेंगे तो बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे और बुराइयों से बचे रहेंगे। शिक्षा क्या मिलती है? बच्चों को अच्छे काम के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। तो ये था आज का वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि न्यूज एंड क्यूज। धन्यवाद बच्चा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।